सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आनंद और एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है आनंद जी ब्लॉग। दोस्तों आज मैं आप लोगों को मिलाऊंगा उस शख्सियत से जिनका स्टॉल जो है वो कुछ समय पहले बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया था। किन लोगों ने वैसा किया था, क्यों किया था, ये सब हम लोग जानेंगे। बहुत ही फेमस चेहरा है और बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था वीडियो, जिनका नाम है आर्यन भाई और ये हैं एक्टर चाय वाले। तो मैं आज इनसे मुलाकात करूँगा और आप लोग को दिखाऊँगा कि क्या हुआ था, उसके बाद ये अभी क्या कर रहे हैं और आगे का क्या प्लान है इनका, और अभी इनका बिज़नेस कैसा चल रहा है, वो सारा कुछ कहानी मैं बताऊंगा, समझाऊंगा डिटेल में, ब्रीफ में आज जानेंगे कि एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, आर्यन भाई से। सो दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ एक्टर चाय वाले के पास में, अभी देखता हूँ मुझे सडनली यहाँ पर मिले, जिनका वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था और वो मटर गस्ती का चैनल है, उसमें बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। तो मैं आज इनसे बात करूँगा और इनसे मुलाकात करूँगा कि एक्चुअल में अभी क्या इनकी लाइफ में चल रहा है, उस घटना के बाद क्या हुआ, ये सारा कुछ ब्रीफ में हम लोग जानेंगे और अभी क्या हो रहा है। तो सामने आर्यन भाई जी, नमस्ते। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। एक्चुअली मुझे ये जानना था कि जो घटना आपके साथ हुई थी, बहुत ज़्यादा वीडियो आपका वायरल हुआ था मटर गस्ती में, तो एक्चुअल में कहानी क्या था मुझे बता सकते हैं आप? जी सर, बेसिकली क्या हुआ था ना कि मैं काट लगाता था बॉलीवुड चौराहा पे जी, तो अतिक्रमण का वो चल रहा था, तो मुझे पता चला कि सब गाड़ियाँ उठ रही है, तो मैं 3 दिन पहले काट वहाँ से हटा दिया था। काट हटाने के बाद मैं अपने एक मोहल्ले में लगवा दिया था, बसावन पार्क के गली में लगवा दिया था, वहाँ से क्या हुआ कि वहाँ से निगम वाले उठा लिए या किसी ने उठवा दिया हुआ, मुझे एग्जैक्ट आस्पेक्ट पता नहीं चला। फिर उठवाने के बाद फिर निगम ने तोड़ दिया गया, मतलब जैसे भी से उठाते हैं तो टूट जाता ही है वो, तो बार बार उठाएंगे या फिर साइड फेंकेंगे तो टूट जाता है, पूरे गंदे तरीके से टूट गया वो। फिर एक धीरज जी हैं जो कि कार्ड क्लब चलाते हैं, तो शायद वीडियो वायरल हुआ होगा तो उन्होंने फ़ोन किया मेरे पास कि विकास जी आप टेंशन मत लीजिए, कार्ड का जो भी कॉस्टिंग आएगा मैं फ्री में बनाऊँ। अच्छा, मेरे पास फोन आया। हाँ। तो उसी दिन आया फोन जिस दिन मेरा कार्ड उठा था, मैं रो रहा था। हाँ। किसी ने वीडियो उसी दिन भी डाल दिया था। बिल्कुल। हाँ, तो मेरे पास फोन आया तो मैं बहुत हताश था, तो लगा यार कोई भाई है मेरे को इन्होंने बोला, तो मैं बोला ठीक है धीरे, मैं इतना ही बोल के, मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब उस स्थिति से क्रॉस कर रहा था ना, जो मुझे लगा क्या करना चाहिए, बोला ठीक है धीरे कोई बात नहीं। दो दो कार्ड मेरा टूटा था बहुत गंदे तरीके से, एक कार्ड मैं दिखाता हूँ अभी आपको। चलिए, ये कार्ड है ना, ये पांडा चाय के स्टेशन के नाम से चलता था। ओके, अभी हम लोग चल रहे हैं, देखेंगे कि एक्टर चाय वाला का जो स्टॉल था फूड कार्ट, वो कितने बुरी तरीके से टूटा। ओ माय गॉड, यहाँ आप देख सकते हैं, ये दिखा रहे हैं, ये पूरा मतलब गंदे तरीके से तोड़ ही दिया, मतलब इतने गंदे तरीके से तोड़ा है उन्होंने और मतलब कुछ बचा ही नहीं है। आर्यन भाई यहाँ देखा जाए तो बिल्कुल ये बहुत ही गंदे तरीके से इसे तोड़ा गया है, कुछ बचा ही नहीं है। हाँ जी, हाँ, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कितने ही बुरे तरीके से इसे तोड़ दिया गया और काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ था इनका और ये काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे। ये इनका जो स्टॉल है वो काफ़ी गंदे तरीके से तोड़ा गया था और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा कार्ट है ना, वो बर्बाद हो चुका है, बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है। और ये वीडियो वायरल काफ़ी ज़्यादा हुआ था, साहेब भाई के ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ था और ये मटर गस्ती का चैनल था जो वीडियो वायरल हुआ था। तो अभी मैं इनसे मिल रहा हूँ एक्टर चाय वाले से, ये पूरी की पूरी स्टोरी बता रहे हैं। तो अभी का क्या प्लान है आपका आर्यन भाई? ये तो कार्ट पूरे गंदे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, तो एक और कार्ट जो था मेरा, तो धीरज जी ने बोला कि ये तो अब नहीं हो पाएगा, ये कार्ड तो नहीं बन पाएगा, तो जो और कार्ड था एक एक्टर चावला के नाम से, वो भी ऑलमोस्ट 30-40% डैमेज हो गया था, ये तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया देखिए। हाँ, बिल्कुल। तो दोनों एक ही जगह कार्ड लगवाओ, दोनों एक ही जगह से उठा था, ठीक है। तो धीरज जी का फोन आया कि ऐसे ऐसे भी कहा टेंशन मत लीजिए, हम उसको फ्री में बना देंगे। तो पहले तो लग रहा था मेरा कार्ड मिल भी पाएगा निगम से, नहीं मिल पाएगा, लेकिन उन लोगों ने फिर रिलीज किया मेरा कार्ड को, दे दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने भेज दिया रात में और उसके बाद इन्होंने बना दिया, फिर लग रहा है वहाँ पे तो काफी। उसके बाद फिर मैं क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा था, बहुत कस्टमर का फोन आया सर कि फाइनेंशियली हेल्प चाहिए,
फिजिकली हेल्प चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए। तो मुझे लगा यार ठीक है, लोगों ने बोला भैया यार चाय खोलो, मैं 3 दिन से चाय नहीं पिया हूँ, 4 दिन से चाय नहीं पिया हूँ। काफी ज्यादा रिस्पांस आ रहे थे आपके पास, फोन भी आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, इंस्टा पे भी मैसेज आ रहे थे, कॉल्स भी आ रहे थे। तो मुझे लगा नहीं यार ठीक है, तो मेरे पास केनोपी था। हाँ। केनोपी में मैंने 2 चूल्हा फिर खरीदा अपना। अच्छा। केनोपी पे स्टार्ट किया मैंने। अच्छा। फिर जो मेरे कस्टमर थे आना शुरू कर दिए वो लोग, वही शिद्दत से काम शुरू कर दिया मैंने। फिर धीरज जी कार्ड बना के दे दिए, फिर मैं अभी 5-6 दिन से मैं लगा रहा हूँ, 5-6 दिन से नहीं, आई थिंक 3 दिन हुआ, 3 दिन से मैं लगा रहा हूँ कार्ड, रात में हटा लेता हूँ, क्या करूँ। हाँ। फिर भी क्योंकि देखिए अतिक्रमण अपना काम कर रही है, मेरे में से मतलब रोड जाम नहीं होता है, मैं पार्किंग में लगाता हूँ, फिर भी मैं गलत, क्योंकि मैं गलत इसलिए हूँ कि उनका निगम का जमीन है, उस हिसाब से मैं कहूँगा गलत। अप्रिसिएट करते हैं इस बात को, लेकिन एक चीज बोला जाए ना आर्यन भाई, कि अगर ऊपर वाला चाहता है कि किसी को आगे बढ़ना है तो उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं ऐसे लोग कि विश तो करते हैं मेरे लिए, मेरे चाहे ऐसे प्यार है मोहब्बत है, मेरे से भी लोगों को बहुत प्यार है मोहब्बत है। आप लोग जैसे लोग हैं कि बहुत सपोर्ट किए हैं मुझे, बहुत सारे लोग हैं जैसे मतलब बहुत लोग, इनका नाम लो, जिनका बिल्कुल नाम बिल्कुल, मैं खुद देखता हूँ कि जब भी मैं गुजरता हूँ आपके कार्ट से, जब भी मैं जाता हूँ तो देखता हूँ काफ़ी ज़्यादा भीड़, काफ़ी ज़्यादा क्राउड मोमेंट, और ये जो प्यार है लोगों का वो बना हुआ है आपके साथ में। अगर आपका जब कार्ट नहीं रहा था तभी भी बहुत सारे लोग फोन कर रहे थे, पूछ रहे थे, वहाँ पे मेरे साथ आगे बैठते थे, वो दुख में दुख बांटते थे। फिर मैं कहूँ ओपी पे स्टार्ट करना पड़ गया, नहीं यार भाई अब, क्योंकि मेरे पास कार्ड था नहीं, कार्ड था नहीं, कार्ड बनाने में रिपेयर करने में भी टाइम लगता। हाँ, बिल्कुल, मेरे पास पैसे नहीं थे। हाँ। तो पैसे के लिए फिर इन्होंने ये भी बोला, क्योंकि पैसे क्या होता है सर, मेंटली फिजिकली सब डैमेज हो जाता है, क्योंकि पैसा मैं इतना भी अर्न नहीं करता हूँ, मैं 1,000-1,200 रुपया ज्यादा तो अर्न नहीं करता हूँ। नहीं, ठीक है, हर चीज एक अलग है, लेकिन क्या होता है ना, कोई इंसान अगर बिजनेस शुरू किया आपने तो उसी से कमा के कोई काम करोगे। हाँ। और जब आपका बुरा वक्त और बुरा दौर चल रहा होता है तो लोग मदद भी नहीं करते, नहीं करते, अपने लोग ही नहीं करते, नहीं करते, अननोन लोग कर देंगे आपको, वो किस वे में करते कैसे करते अलग बात है। तो मैं धीरज जी के बारे में ये कहूँगा कि नहीं, धीरज जी ने हेल्प किया मेरे को। हाँ, ठीक है भाई, आओ। काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया इन्होंने, और ये आपको एक कार्ड प्रोवाइड किया इन्होंने जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। कार्ड इन्होंने बना के, मतलब मेरा जो कार्ड टूटा था ना, हाँ, उनको रिपेयर कर दिया, 1 भी रुपया नहीं लिया, एक भी रुपया नहीं लिया उनको, बस 1 ही रुपया दिया मैंने। हाँ। जो यहाँ से किराया जो होता है ना, हाँ, बस वो मैंने दिया। अरे भाई, क्योंकि वो मेरा बनता था। हाँ। और मैंने बोला कि धीरज जी मैं पैसा आपको पे कर दूंगा, बोला नहीं यार समझिए ना, मेरे तरफ से है कि आपने 2-3 कार्ड बनाया है मेरे लिए, काफी जबरदस्त, मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ तो दे ही दूंगा, धीरज जी को दे दूंगा, कि वो बना कर दिया उन्होंने, वो भी नहीं लिया आपसे इन्होंने, काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ। पैसे ही नहीं आया था कुछ। अच्छा अच्छा, नहीं ले रहा था। उसी इत्तेफाक से मैंने आपको देखा और आपको मैंने यहाँ पे पकड़ लिया। हाँ। तो आज दोस्तों मेरी मुलाकात हो रही है धीरज भाई से, जो ये बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे, इनका वीडियो काफी ज्यादा फेमस हुआ था। मैं धीरज जी के पास आया था पैसा ही देने, मैं क्रॉस करा इधर से, तो मुझे लगा यार 5,000 रुपए कम से कम दे देता हूँ मैं, तो उन्होंने मना कर दिया पैसा लेने से, क्या देना कोई बात नहीं। अरे वाह। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को उन शख्सियत से मैंने मुलाकात करवाया जिनका फूड स्टॉल काफ़ी बुरी तरीके से तोड़ा गया था, कैसे टूटा था इन्होंने बताया आप लोगों को, और ये आर्यन भाई सारी स्टोरी आप लोगों को बताए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। आप लोग देख सकते हैं कि इनका जो स्टॉल है वो काफ़ी ही बुरी तरीके से तोड़ा गया, और अभी स्टॉल का ये हाल है। हालांकि ये काफ़ी मशक्क़त करके और लोगों का सपोर्ट, लोगों का प्यार, आप लोगों का प्यार मिला काफ़ी ज़्यादा, और ये एक बार फिर से उसी मुकाम पर पहुंच गए। तो ये ऊपर वाले की बहुत 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 मेहरबानी है, और इन कार्ट वाले की, धीरज जी जिनका नाम है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। धीरज जी हैं जो कि मतलब मैं क्या ही बताऊं यार, एक होता ना इंसान के लिए, इनका भी बहुत एक सहारा होता है। तो जब हम उस वक्त से गुजर रहे थे ना, तब उन्होंने मुझे बोला कि यार, मैं फिर से रिपीट करूँगा कि धीरज जी इधर हैं, आइए धीरज जी से बोलते हैं। यही है धीरज जी, ये धीरज जी है, उस बुरे वक्त, इस बुरे वक्त में ये धीरज जी है, इस बुरे वक्त में इनका फोन आया था। आज सडनली मैं पैसा ही देने आया था, आज पैसा जब लेने से इन्होंने मना कर दिया कि मैं यार पैसा नहीं लूँगा, तो मुझे लगा यार कि एक होता ना बड़प्पन यार, मेरे लिए तो बड़े भाई जैसे ही हैं ये, और बहुत अच्छा लगा ये चीज़ का कि जब मैं पैसा देने आया तो पैसा लिया नहीं इन्होंने, बिल्कुल,
ये धीरज जी, तो मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये है धीरज सर जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुए एक्टर चाय वाले के लिए। तो धीरज सर आपने तो काफी ज्यादा मदद किया इनका। जी जी, तो अभी मुझे जहाँ तक पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके यहाँ से ये कार्ड बनवाते हैं। जी, और लगभग आप हर तरीके का कार्ड डिज़ाइन कर देते हैं। जी, तो ये हैं धीरज जी और इनसे मुलाकात करवाई, ये हैं एक्टर चाय वाले जिनका सारा स्टोरी आप लोगों ने सुना जाना। मैं और बता रहा हूँ कि जब मैं अभी सडनली जैसे क्रॉस कर रहा था, धीरज जी को पूछे कहाँ हैं आप, हाँ? तो बोले कि शॉप पे हूँ। तो मैं आ गया तो मैं सडनली 5,000 रुपये देने आया था इनको कि सर आपने बनाया था। आई थिंक मेरे हिसाब से उस स्टॉल में 20 से 25,000 रुपये खर्चा आया होगा। हाँ। तो वो तो फ्री में ही बनाया। हाँ। तो मेरा फर्ज बन रहा था ना कि मैं इंस्टॉलमेंट में भी कम से कम दे दूँ। हाँ। जब देने आया तो इन्होंने मना कर दिया कि यार नहीं नहीं कोई बात नहीं, मतलब अच्छा लगा कि कोई बात नहीं। मैंने बोला था कि सर ले लीजिएगा धीरे धीरे करके। हाँ। तो बोला नहीं नहीं, उस दिन भी बोला था और आज तो इन्होंने प्रमाण ही दे दिया, पैसा ही नहीं लिया इन्होंने। हाँ। तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ इसमें। बिल्कुल, तो इनका बड़प्पन है कि मेरे प्रति ऐसा सोचते हैं। हाँ। भाई के नाते, छोटा भाई जैसे हम लोग कभी साथ में काम करते थे बोरीगोड चौराहा पे, इनका भी एक क्यूब के नाम से चलता था। हाँ। उसके बाद फिर यहाँ इन्होंने किया। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमेशा सपोर्ट करते रहिए, लोगों को सपोर्ट करते रहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्यार था इन लोगों का और आप लोगों को मैं मिलवाया इन लोगों से। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को मिलाया आज आर्यन भाई से, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए थे और काफ़ी बुरी स्टोरी इनकी रही, सारा स्टोरी इन्होंने बताया। तो और वाकई में काफ़ी ज़्यादा दर्द भरी स्टोरी थी और इन्होंने पूरी की पूरी स्टोरी बताई, समझाई हम लोगों को कि एक्चुअल में इनके साथ हुआ क्या था, वो सारा बात ये बताए। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखाऊंगा लास्ट में जाते जाते कि एक्चुअल में इनके साथ हुआ क्या था। और आप मेरे पीछे ये देख पा रहे होंगे, ये जो टूटा हुआ है ये एक्टर चाय वाले का स्टॉल है जो काफ़ी बुरी तरीके से तोड़ दिया उन लोगों ने। ये काफ़ी दर्दनाक कहानी थी और काफ़ी ज़्यादा बुरी स्टोरी थी कि लोग मेहनत करते हैं एक अपना मुकाम हासिल करने के लिए और कुछ कर पाने के लिए कुछ करते हैं और उनको इस तरीके से बर्बाद कर दिया जाता है। हालांकि ये अभी भी बता रहे हैं कि किसने किया क्यों किया ये तो प्रॉपर इन्हें नहीं पता, लेकिन ये इनका कहनाम है कि ये मेहनत हमेशा करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, हार नहीं मानने वाले हैं। तो इन शख्सियत के बारे में आप क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इनकी मेहनत के बारे में क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो मैं हमेशा लेकर के आते रहता हूं, तो आप लोग देखते रहिए आनंद जी ब्लॉग, क्योंकि इनसे मैंने आप लोगों को इसलिए मिलाया क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड पर्सन हैं और ये पूरी स्टोरी आप लोगों को बताए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, नेक्स्ट वीडियो में नए लोग के साथ में नई जगह पर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, देखते रहिए आनंद जी ब्लॉग।